नमस्कार भाइयों, मैं आपका दोस्त मोहित पारीक और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल बीकानेर बर्ड्स इंफॉर्मेशन। भाइयों, आज के इस वीडियो में हम जो है बजरी तोतों की हांडी की सफाई करेंगे और साथ साथ जानेंगे कि हांडी की सफाई करना क्यों जरूरी है और हांडी की सफाई कब की जाती है और क्या जब हम हांडी की सफाई करते हैं तो फीमेल डिस्टर्ब तो नहीं होती। तो जो है वो हांडी की सफाई को लेकर जो है वो काफी ऐसे क्वेश्चन है जो कि मैं आज के इस वीडियो में क्लियर करना चाहता हूँ, क्योंकि भाइयों आप सब जानते हैं कि हांडी की सफाई को लेकर काफी नए भाई जो है वो कमेंट करते रहते हैं कि मोहित भाई जो है वो हांडी की सफाई कब करनी है। तो जो है वो काफी जो है ऐसे सवाल है जो कि मैंने नोट किए हैं। तो जो है वो पहले आपको जो सामने 27 नंबर जो हांडी दिखाई दे रही है इसकी जो है वो सफाई करेंगे और सफाई करने के बाद मैं आपको बताऊंगा कि हांडी की सफाई करना क्यों जरूरी है। पहले हम जान लेते हैं कि हांडी की सफाई कैसे की जाती है। भाइयों, उससे पहले मैं आपको बता दूं कि जो है वो ये एक व्हाइट कलर की फीमेल है और इसका आपको मेल दिखाई दे रहा होगा। तो ये जो फीमेल है इसके बच्चे बाहर आ चुके हैं, 6 के करीब बच्चे थे, तो मैंने जो है वो आपको ब्रीडिंग प्रोग्रेस में बच्चे भी दिखाए थे। तो अब जो है वो सीन ये है, आप हांडी के अंदर देखिए आपको जो है जितनी भी बिंटे दिखाई दे रही है वो बुरी तरीके से जो है हांडी में चिपक चुकी है, यानी कि वो चिपकने के बाद सूख भी चुकी है, सूखी बिंटे हैं। तो अब जो है उन्हें उतारने में थोड़ी सी जो है वो मुश्किल होगी, लेकिन उतर जाएगी। तो अब जो है इस हांडी को खोलते हैं और जो है वो सफाई करते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है फ्लोटेड एंगल पे इस तरीके से जो है वो हांडी लगी हुई है। तो इस हांडी को जो है वो इस तरीके से हटाते हैं। आप देख सकते हैं ये जो है वो बुरादा है। भाइयों, ये वाला बुरादा जो है वो हमें काम लेना है हांडी के अंदर, ना ज़्यादा बड़ा हो और ना ज़्यादा छोटा हो। ये आपको दिखाई दे रहा है ये मीडियम साइज है। अगर ज़्यादा बड़ा बुरादा होता है तो मादियाँ क्या करती है, चोंच से जो है वो बाहर फेंक देती है हांडी से। तो आपको जो है वो मीडियम साइज का बुरादा लेना है। उससे पहले जो है हांडी को साफ करते हैं। हांडी को साफ जो है किस तरीके से करना है वो भी मैं आपको बताता हूँ। दिखाई दे रहा होगा ये स्क्रू ड्राइवर है, तो इससे जो है वो इस गंदगी को हटाएंगे सबसे पहले। के बाद आपको टी स्पून से जो है वो सफाई करनी है इस तरीके से। ये जो है भाइयों हमने इस तरीके से जो है इसको खुरच के जो है वो सफाई कर दी है। भाइयों, अभी यहाँ पे जो है कुछ भाई गलती ये कर देते हैं कि हांडी को जो है वो धो देते हैं। इसे भाइयों हमको हांडी धोना नहीं है, धोने के बाद अगर हम धोते हैं तो जो है वो अच्छी तरीके से सुखानी है, और अगर हम सुखाएंगे तो उस दौरान जो है मादी दूसरी हांडियों में जाएगी और जो है फाइटिंग कर सकती है। तो इससे अच्छा हमें हांडी को धोना नहीं है, अच्छी तरीके से आप जो है वो सफाई कर लें। और सफाई होने के बाद में जो आपको बुरा तो दिखाई दे रहा है वुड शेविंग, इसको जो है इस तरीके से डालना है इसके अंदर। तो इस तरीके से आप जो है वो डाल दें। भाइयों, होता क्या है कि ये जो बुरादा होता है इसे मादियाँ जो है वो बाहर नहीं पटकती है, तो ये जो है वो इस तरीके से पड़ा रहता है और मादियाँ जो है वो अंडे दे देती है। तो भाइयों, इस तरीके से आपको जो है हांडी की सफाई करनी है। अब हम बात करेंगे कि हांडी की सफाई करना क्यों जरूरी है और अगर हम हांडी की सफाई ना करें तो इससे हमें क्या नुकसान हो सकता है। भाइयों, आप सब जानते हैं कि जब बजीज पैरेट ब्रीडिंग करते हैं तो जब बच्चे हांडी या बोक से बाहर आने वाले होते हैं 80% जो मादियाँ होती है वो उससे पहले ही अंडे ले कर देती है, और कुछ मादियाँ ऐसी होती है बच्चों के बाहर आने के बाद जो है कुछ टाइम के बाद दोबारा ब्रीडिंग शुरू करती है अगली। तो ज़्यादातर मादियाँ मैंने ऐसी देखी है जो कि पहले ही अंडे दे देती है, जब हम सफाई नहीं करते तो उसी गंदगी के ऊपर जो है वो अंडे दे देती है। और ऐसे में भाइयों जो है वो चांस ये रहता है कि जो है वो अंडे खराब हो जाते हैं जब जो है वो हम सफाई नहीं करते हांडी या बॉक्स की। तो ऐसे में जो है वो गंदगी के ऊपर जब अंडे पड़े रहते हैं तो अंडे खराब हो जाते हैं। और इस दौरान कभी आप नोट करना जो मादी ब्रीडिंग कर रही है रेगुलर, जब हम हांडी और बॉक्स की सफाई ना करें जो है आई इन्फेक्शन की प्रॉब्लम आएगी, जो है वो मादी अपनी आंखों को खुजाएगी दीवारों के सहारे, इष्टिकों के जाली के सहारे, तो ऐसे में जो है आंखों में से पानी आएगा और आंखें लाल होगी और आंखों के किनारे के बाल उड़ जाएंगे। ये जो है वो गंदगी की वजह से होता है और या जुकाम की वजह से होता है।
तो भाइयों ऐसे में जो है आई इन्फेक्शन की प्रॉब्लम आती है। दूसरा भाइयों मादी की जो है परों में जो है जुए पड़ जाती है, जो कि मादी के जो है खून चूसने लगती है। जो छोटी छोटी जुए होती है वो भी पड़ जाती है और बच्चों की जो है वो फेदर के ऊपर भी जो है वो जुए पड़ जाती है। तो ऐसे में जो है आप सफाई जरूर करें, ब्रीडिंग हो जाती है और हम जो है वो सफाई नहीं करते हैं अंडी बॉक्स की। उसके बाद जब हम अचानक से सफाई करते हैं, कीड़े जो है वो काफी सारे बॉक्स के या अंडी के अंदर हो जाते हैं। उस गंदगी के नीचे जो है काफी सारे अलग अलग तरीके के कीड़े मकोड़े पैदा होते हैं और फिर जो है वो बच्चों पे, छोटे बच्चों पे जिनके रुआ नहीं आया होता, या जो है वो बड़े बच्चों पे मादियों के आंखों के किनारे जो है वो अटैक करते हैं। तो ऐसे में जो है आप सफाई जरूर करें। और अब जो है वो आपका एक कंफ्यूजन है कि अगर हम हांडी या बॉक्स की सफाई करेंगे तो ऐसे में मादा जो है अंडे देना तो नहीं छोड़ देगी या मादा ब्रीड करना तो नहीं छोड़ देगी। तो भाइयों जो है मैं शुरू से जो है वो हांडी बॉक्स की सफाई करता आ रहा हूँ। आप जो है बर्ड्स को ज़्यादा डिस्टर्ब ना करें, हांडी बॉक्स की सफाई सही तरीके से करके और उसी जगह उसी तरीके से आप हांडी और बॉक्स को लगा दें। भाइयों मैंने तो जब छोटे छोटे बच्चे होते हैं एक एक दो दो दिन के, उस समय भी जो है सफाई करके देखी है, कोई प्रॉब्लम नहीं आती। मादी जो है उसी तरीके से बच्चों को पालती है और जो है वो मादी के द्वारा कोई भी रिएक्शन नहीं आता। कुछ भाइयों के दिमाग में होता है कि जो है वो बच्चे मर ना जाए, बच्चों को जो है वो मादी फीड करवाना ना छोड़ दे, बच्चों को मार ना दे, तो ऐसा कुछ नहीं होता है। लेकिन भाइयों मेरा कहना यही है कि जब भी जो है वो बच्चे बड़े हो जाएं और आपको लगे कि एक दो दिन में बाहर आने वाले हैं और मादी ने अभी तक अंडे नहीं दिए, उसी वक्त वही सही टाइम होता है हांडी की सफाई करने का। उसी समय आप जो है वो हांडी की सफाई कर दें और जिस तरीके से मैंने बताया उस तरीके से सफाई करके बुरादा वुड सेविंग आप उसमें डाल दें। भाइयों ये कुछ इन्फॉर्मेशन थी जो कि मैंने आप सभी के साथ शेयर करना जो है इम्पोर्टेंट समझा। तो आपको जो है वो वीडियो कैसा लगा ये आप कमेंट करके जरूर बताएं। भाइयों क्या होता है कि जब भी जो है वो छोटी छोटी ये कुछ गलतियां होती है या नए भाइयों के यहाँ पे जब वो बजीज ब्रीड करते हैं तो ये जो है वो कुछ सवाल जो है उनके दिमाग में घूमते रहते हैं। तो मैंने पूरी कोशिश की है कि एक ही वीडियो में ज्यादातर जो है वो क्वेश्चन उनको जो है वो सोल्व करूँ। इसके अलावा अगर आपके दिमाग में फिर भी कोई क्वेश्चन रह चुका है तो आप जो है वो कमेंट करके बता सकते हैं, मैं आपकी कमेंट का 100% रिप्लाई करूंगा। और आपको वीडियो कैसा लगा ये भी आप साथ में बताएं और अपने ढेर सारे दोस्तों में भी वीडियो को शेयर करा करें। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें, इससे आपको ये फायदा होगा जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूंगा तो उसकी नोटिफिकेशन आपके मोबाइल फोन तक सबसे पहले आ जाएगी और आप चैनल के सदस्य बन जाएंगे। बाय बाय फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो नए टॉपिक के साथ।